ब्लडी मैरी 3 बार हो गया। तो ब्लडी मैरी क्यों दिखी? इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका ब्लडी मैरी से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, कितना सारे वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रजत अरोड़ा और आज मैं काफी टाइम बाद आपके लिए लाया हूँ कुछ, मतलब पहले जैसा। मेरी सेकंड वीडियो थी हॉरर एक्सपेरिमेंट, तो आज के हॉरर एक्सपेरिमेंट का नाम आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो आज हम ब्लडी मैरी चैलेंज करेंगे और इस चैलेंज के कुछ रिचुअल्स बता देता हूँ, क्योंकि अभी दिन है, हमने करना है रात में। तो तब तक मैं आपको रिचुअल्स बता देता हूँ क्या थे। तो इसके रिचुअल्स थे कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम पहले जो था, कि मतलब अगर एक लड़की एक अंधेरे घर में सीढ़ियों को उल्टा चढ़े, बैकवर्ड सीढ़ियाँ चढ़ती है, उसके हाथ में एक हैंड मिरर और एक अपना कैंडल होती है, अगर ये दो चीज़ें होती हैं और वो सीढ़ियाँ उल्टा चढ़ती है अंधेरे घर में, तो उसको फ्यूचर हस्बैंड के उसका फेस दिखेगा। और कुछ चांसेस में ऐसा बताया जाता था कि फ्यूचर हस्बैंड के फेस की जगह स्कल या कुछ ऐसा अजीब सा दिख सकता है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी शादी होने से पहले ही वो मर जाएगी लड़की। तो फिर इसके बाद ये रिचुअल आया ब्लडी मैरी वाला। ब्लडी मैरी वाले रिचुअल का ये मतलब था, एक सिंगल बंदे के पास भी आ सकती है और ग्रुप ऑफ पीपल के पास भी आ सकती है, कोई मतलब डेफिनेट नंबर नहीं है इनका, तो हर किसी के पास आ सकती है अगर वो लगातार उनका नाम बुलाएं। वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे। लेकिन शीशे में जो आ सकते हैं वो ये कुछ बताए थे कि वो गोस्ट हो सकता है, फ्रेंडली और इविल कोई भी हो सकता है, और कई चांसेस में वो एक कवर्ड खून में कवर्ड एक कुछ भी स्पिरिट हो सकती है, खून में कवर्ड, जो कि आने के बाद हमें क्या कर सकती है, हमें हार्म कर सकती है, जैसे कि हमें स्क्रैच कर सकती है, हमारी आंखें निकाल सकती है, और मतलब कुछ भी कर सकती है, हम पे चीख सकती है, हमें डरा सकती है, ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो ये रिचुअल माना जाता है, बाकी इसके रूल्स वगैरह मैं आपको बताऊँगा। और 13 टाइम्स बुलाने का भी एक है, 13 टाइम्स अगर हम बुलाएं। बाकी बातें रात को करते हैं, फिर मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम रात होने पे, मिलते हैं सीधा रात को। कितना सारे, अब रात हो चुकी है और अभी अपना टाइम होने वाला है, तो अभी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमरा दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं करने लगा हूँ। तो ये रहा जी कमरा, ये खिड़कियाँ वगैरह अभी बंद करता हूँ मैं, और इधर ये शीशा जिसमें हम करेंगे, और ये रहा बार बार भी एक शीशा, और ये मेरा भाई सोया हुआ है, गिटार पड़ा है, और मतलब इस टाइम देख सकते हो टाइम लगभग 1:30 बज गया है और हम पूरे 3 बजे करेंगे, तो शुरू करते हैं। बाकी तैयारी मैंने लाइट वगैरह रखी हुई है। तो यार अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो तब तक मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। रूल्स जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब वीडियोस में देखा है और गूगल पे चेक किया है, विकीपीडिया वगैरह पे, तो उस हिसाब से 3:13, कुछ लोग कहते हैं 3:13 पे है टाइम एग्जैक्ट बोलने का, कुछ कहते हैं कि 3 से लेके 4 बजे तक का टाइम है। तो इस टाइम में हमने बोलना है 3 बार या फिर लगातार बोलना है ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। तो फिर हमारा ऐसे बोलने से शीशे में ऐसे बोलने से स्पिरिट या जो भी है वो हमारे सामने शीशे में आएगी और मतलब हम पहुंचा सकते हैं हमें। और ये सब हमें डिम लाइट वाले कमरे में करना है, तो हम एक लाइट रखेंगे थोड़ी डिम करके, और साथ में हमारे पास कैंडल्स आएंगी, कैंडल्स चल रही होंगी। तो वीडियो शुरू करेंगे, पहले उसे खिड़कियां वगैरह बंद कर लें और दरवाजे वगैरह बंद कर लें। तो चलो तैयारी करते हैं तब तक। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला हूँ, तो कम से कम कट्स लूंगा, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में 13 नंबर का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि 13 नंबर बहुत ही ज़्यादा अनलक्की माना जाता है, स्पेशली इन मामलों में भूतों वगैरह के। तो आप देख सकते हो खिड़कियाँ बंद है, इधर ये दरवाजा भी बंद है, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, खुला हुआ। तो हम यहाँ पे साइड पे लाइट ऑन कर देते हैं।
डिम पे करके ऑन कर देते हैं ताकि हमारी वीडियो तो क्लियर आए। अब चलो शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ, तो अब हम शुरू करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम सिर्फ गूगल टाइम पे विश्वास करेंगे और किसी पे भी, तो गूगल टाइम होगा यहाँ का 3:11, तो हम 3:13 पे शुरू करेंगे। जब ये 3:13 हो जाएगा हम 3:13 पे शुरू करेंगे। तो ऐसा है, यहाँ पे हमने करना है। तो अब जैसे कि देख सकते हो आप 3:13 हो गए और अब हम शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी 3 बार हो गया। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो ऐसा भी सुना मैंने कि 13 बार अगर हम बोलें तो होता है, तो 13 बार बोल के देख लेते हैं। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। कोई रिस्पॉन्स नहीं, देखें। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है फिलहाल। तो अब क्या करें, एक और बार ट्राई करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, लास्ट ट्राई। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो भाई आपने जैसे कि देखा मैंने आपके सामने ही किया तो कुछ हुआ नहीं। तो अब मतलब डर तो लगता है भाई, जो लोग कहते हैं ना इतनी रात को करते हैं कुछ नहीं, डर तो लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, पसीना आ गया था मेरे को। तो अब हम क्या करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है इस कंटेंट को, एक लाइक तो बनता है। अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। हाँ नीचे लाल बटन, हाँ बस वो दबा दो, दबाओ यार दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हमारे पैसे लग रहे हैं। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कईयों को क्यों दिखती है, ऐसा माना क्यों जाता है, ऐसे क्यों दिखती है, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। चलो आप, तो भाई किसी ना किसी को दिखा हो शायद, जब से रिचुअल शुरू है कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है ये। तो मतलब अब मैं आपको इसके पीछे का फिनोमिना बताता हूँ। तो ब्लडी मैरी क्यों दिखी, जिसको भी दिखी क्यों दिखी, तो उसका रीज़न यही है कि अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम डिम लाइट वाले कमरे में मिरर में देखते रहें तो फिर हमारा जो माइंड होता है वो हेल्यूसिनेट होना शुरू हो जाता है। हेल्यूसिनेट का मतलब सेल्फ हिप्नोटाइज होने लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारा फेशियल रिकॉग्निशन जो पावर होती है, ब्रेन का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, वो मिसफायर हो जाता है और आपको कुछ भी उल्टा सीधा दिखने लग जाता है, कोई फेसेस या कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा है वो दिखने लग जाता है सामने। तो यही एक रीज़न है और कुछ नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा यही रीज़न है। तो भाई वीडियो में यही मैसेज है कि अगर फैलाना ही है तो खुशियाँ फैलाओ, अफवाहें मत फैलाओ। अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।